हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम सबको ही पता है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो जो हमारा स्किन रूटीन होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। वैसे ही सेम मेरे साथ है, जो भी मेरा स्किन रूटीन है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि सर्दियों में मन ही नहीं करता है कुछ करने का। स्वास्थ्य काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी स्किन पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखी है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक फेस मास्क ट्राई कर लिया जाए और उसको आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए। सो मैंने सोचा कि मैं खुद तो करूँगी ही, तो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। जो हमारे स्किन पे सर्दियों में ड्राई स्किन आ जाती है, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं केयर ना करने की वजह से। सो उसी के लिए आज हम ट्राई करेंगे। आज फेस मास्क तो है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब आप इसको अपने स्किन पर ट्राई करेंगे तो आप एक बार मुझे थैंक यू बोलें, ज़रूर आएंगे, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कि हमें इस रेमेडी के लिए क्या क्या चाहिए होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे जो बादाम का तेल होता है वो। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है देन आप नारियल तेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बादाम का तेल होता है वो हमारे स्किन में बहुत अच्छे से वर्क करता है, हमारे स्किन को ड्राई होने से बहुत ज़्यादा बचाता है। और स्पेशली हमें सर्दियों में यही चीज़ चाहिए होती है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे स्किन को ड्राई ना होने दे। हम करेंगे बादाम तेल का यूज़। सेकंड हमें चाहिए होगा बेसन, जो हम घर में पकौड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम वही लेंगे। थर्ड हमें चाहिए होगा हनी, अगर आपके पास हनी है देन ओके, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हनी जो है हमारे स्किन में, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करता है, क्लीन बहुत अच्छे से करता है। जो भी हमारे स्किन में पिंपल्स वगैरह और ड्राई स्किन्स हो चुकी हैं, झाइयाँ आ चुकी हैं, उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको हनी या कोकोनट ऑयल में से कोई एक चीज़ भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों हैं देन आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए हमें कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी जो होता है वो हमारे स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमें चाहिए होगा कॉफ़ी। अब चलिए फटाफट से हम अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ एक बाउल, मैं इसी में अपने पेस्ट को तैयार करूँगी। सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच बेसन। मैं ले रही हूँ 1 चम्मच बेसन। अब मैं लूँगी 1/2 चम्मच कॉफ़ी। मेरे पास ये नेस्ले की कॉफ़ी है, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं 1/2 चम्मच ही लूँगी हनी, मेरे पास ये पतंजलि का हनी है, आपके पास जो भी ब्रांड का है आप वो ले सकते हैं, घर का है आप वो भी ले सकते हैं। घर का तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपके पास घर का है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब मैं यही लूंगी 3 से 4 बादाम ऑयल ड्रॉप्स। ये फेस मास्क इतना इफेक्टिव होता है कि आप इसके रिजल्ट्स देख के चौंक जाएंगे, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं इसके। मैं इसमें हल्का सा ऐड करूंगी गरम पानी, इतना कि जितने में हमारा पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाए, हमारे चेहरे से बहे ना और अच्छे से बन जाए। मैं सबसे पहले 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ गरम पानी, इसको मिक्स करके देखेंगे कि हमारा पेस्ट किस कंडीशन में आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जो मैंने 1 चम्मच पानी ऐड किया है उसमें ये इस कंडीशन में आया है, जो कि अभी एज अ मास्क नहीं बना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं हमारा मास्क इस कंडीशन में आ चुका है, अब हम इसको करेंगे अप्लाई। अप्लाई करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया। ट्राई, आपको अपने चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं रखना है, बिल्कुल रिमूव कर देना है। मेरा जो चेहरा है अभी बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी मेकअप मैंने नहीं यूज़ किया है। ऐसी कंडीशन पे आपको इस मास्क को अप्लाई करना है।
आप देख सकते हैं मैंने उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मैंने आंखों के नीचे तक अच्छे से किया है ताकि जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी रिमूव होने में हेल्प हो। और मैंने आईब्रोज छोड़ी हैं, आंखें छोड़ी हैं, बाकी मैंने पूरे अपने चेहरे पर अच्छे से इसको अप्लाई किया है। सो मैं इसको छोड़ूंगी 5 मिनट ताकि जो भी इसके वर्क है वो अच्छे से हमारे चेहरे पर हो जाए, और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। मुझे वेट करते करते 5 मिनट हो गए। मैं सोच रही थी ये सूख जाए उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊं, पर सर्दियों की वजह से इसको सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने सिर्फ इसका 5 मिनट ही वेट किया है। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी जगह से सूख चुका है, पर जहाँ ज़्यादा मोटा मोटा था वहाँ पे नहीं सूखा है। अब आपको करनी है इसे अपने 2 फिंगर्स का यूज़ करके अपने चेहरे पर 2 मिनट मसाज, ताकि जो भी डेड स्किन हमारे चेहरे से रिमूव हुई है वो और अच्छे से रिमूव हो जाए, और जो हमारी डेड स्किन पहले से थी वो सॉफ्ट हुई होगी वो भी अच्छे से निकल जाए। चलिए फटाफट से 2 मिनट के लिए मसाज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मुझे 2 मिनट हो चुका है इसको मसाज करते हुए। अब मैं अपने चेहरे को वॉश करके आती हूँ, फिर आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है, जो भी था वो मैंने रिमूव कर दिया है, और ये अभी बिना चेहरा साफ करे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो भी मेरे चेहरे पर प्रॉब्लम्स थी मैं फील कर रही हूँ कि वो रिमूव हुई हैं। अब मैं आपको एक बार अपने चेहरा साफ करके और दिखाती हूँ, और पास से दिखाती हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताई थी वो रिमूव हुई है नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने अपने चेहरे को वॉश किया है और ये पहले से कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेरा चेहरा एकदम फ्लफी टाइप का हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया है, और जैसे कि मैं पहले फील कर रही थी मेरे इस चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन आ चुकी थी, छोटे छोटे दाने से हो रखे थे, वो अब कुछ भी नहीं है। मेरा चेहरा एकदम अच्छा सा हो गया, एकदम से ग्लो कर रहा है और एकदम प्यारा सा हो गया है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दियों में आप ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं, तब ये कीजिए, सिर्फ 5 मिनट में आपके चेहरे की बहुत सी प्रॉब्लम रिमूव होंगी। आप मेरे डार्क सर्कल्स भी देख सकते हैं, पहले थे पर अब नहीं हैं। यही है इस मैजिकल मास्क का रिजल्ट। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है देन आप एक बार मेरे कहने पर डेफिनेटली ट्राई कीजिए, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद आके हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए कि इसको यूज़ करने के बाद आपके चेहरे में आपको कोई चेंज दिखा या नहीं दिखा। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।